हे वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। उसमें हम और फैंकलिन, एक जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके बल्लास गैंग, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, यानी कि हत्या लिया था, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी में मालिक ने फ्रैंकलिन के वहाँ जाके बोला, अगर तुम मेरे को उस प्रॉपर्टी से वापस मेरे को दिलवाते हो तो अपन जो 50% उसकी प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो आपको तुमको दे देंगे। तो मैं और वहाँ पे फ्रैंकलिन गए थे बल्लास किंग से बात करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने माना, वो मैंने उनसे बात की लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो फिर मेरे को बाद में आखिरकार उनको टपकाना पड़ा टकले को, ठीक है। आई होप आपने वो लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। तो फिर वो नहीं माना और फिर वहाँ पे हम फाइट कर रहे थे, और क्या हुआ, फ्रैंकलिन को लग गई थी गोली। और फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया ताकि फ्रैंकलिन को पिकअप करे, लेकिन मेरे को उसको प्रॉपर्टी का जो ओनर था उसको वहाँ पे घर पे छोड़ के आना जरूरी रहता है, नहीं तो क्या होता है पुलिस पीछे लग जाती है, और पुलिस वहाँ पे आती है और पता चल जाता। इसलिए मैंने प्लान बनाया क्या ना, वहाँ पे मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ ताकि फ्रैंकलिन को वहाँ पे आके बचा लेगी, तो हमें थोड़ा पुलिस की तरफ से कवर मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आया कि ना फ्रैंकलिन को पता नहीं, मेरे को एमरजेंसी की, मैंने जब खोल कर मेरे पास वहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल आया तो मेरे को बोला है कि आप फटाफट से है ना हॉस्पिटल आ जाएगा। तो मेरे को भी पता नहीं किस लिए बुलाया है, तो मैं जाके वहाँ पे चल के अपन देखते क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल अपन वहाँ चल रहे दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो शेयर वगैरह कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। तो चलिए अपन चलते हैं सीधा हॉस्पिटल, और वहाँ पे चल के देखते हैं क्या हुआ। वो ये यूँ क्या गाड़ी चला रहा है यार, चलो फटाफट चलना पड़ेगा यार। पता नहीं यार ये कोई इमरजेंसी है तो पता नहीं यार, फ्रैंकलिन को क्योंकि काफ़ी सारी गोली लगती थी, 3-4 गोली लगी थी मैंने देखा था उसको, तो भरोसा नहीं यार कोई सीरियस नहीं हो, यूँ नहीं हो वो टपक जाए यार तो मरवा देगा यार। बहुत ही खास है अपना, क्योंकि उसकी वजह से अपन ये जो अपना बिजनेस था, एक तो शोरूम का वो स्टार्ट किया था, और एक वो प्रॉपर्टी है वो अपन को मिलने वाली थी, ठीक है। तो यू नहीं हो वो टपक जाए, क्योंकि जो अपन को जो भी जॉब्स वगैरह होती है पैसे वही दिलाता है, इसलिए यार उसका बचना ज़रूरी है। यू नहीं हो कहीं लुढ़क गया हो तो अब हॉस्पिटल जाके पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को भी पता है नहीं। अपन सीधा वहीं पे चल रहे हैं फटाफट से दोस्तों। वीडियो को लाइक वगैरह करते दीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा यार। अरे यार ये कहाँ आ रहे गाड़ी वाले सब, आज ये क्या आज यार ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, मेरे को लग रहा है जैसे आज ट्रैफिक ज़्यादा है। वो वहीं से घुमा लेता, कोई बात नहीं, मैंने बाद में ध्यान, इसलिए मैंने मैप में वे पॉइंट से हट गया, लेकिन यहाँ ड्राइव करता हूँ ना तो वे पॉइंट पर ध्यान भी नहीं जाता है। चलो चलो चलो, अरे यार ध्यान नहीं गया, चेक चला गया, कोई बात नहीं वापस चलते हैं। आगे से मेरे हिसाब से एक आगे से भी जाता है रास्ता, आई थिंक मैं इस साइड में ज़्यादा तो आया हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आगे से जाता है, मेरे को आइडिया नहीं, इसलिए मैं वापस यू टर्न करके आ गया क्योंकि मेरे को आइडिया है नहीं। तो ये आगे अपना जो यहाँ पे लेके आए हैं फ्रैंकलिन को, जैसे कि मेरे पास कॉल आया था। ओ माय गॉड ये क्या हुआ, मेरे पे पुलिस कैसे आई हुई है। नो 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 नो, पुलिस को पता तो नहीं चल गया, क्या पता हमको पकड़ने के लिए तो उन्होंने नहीं बुलाया पुलिस वालों को, हो सकता है यार। लेकिन यार फ्रैंकलिन को बचाने के लिए जाना तो पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे ऊपर इनको शक हो जाएगा, और अगर बाई चांस अगर डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, और ये मेरे को नहीं अरेस्ट कर रहे होंगे तो भी डर लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अपन को जाके देखना तो पड़ेगा ये पुलिस कैसे आई हुई है। ओ पुलिस की तो काफ़ी सारी टीम्स आई हुई है, पता नहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, पता नहीं यार क्या हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके ना जो भी रिसेप्शन है वहाँ पे जाके बात करके देखता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं फ्रैंकलिन का, क्या हुआ, मेरे को क्यों बुलाया था इन्होंने, वहाँ पे चल के चलिए मैं जाके बात। गाइज मैंने इनसे बात कर ली है, तो कोई सीरियस की ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई हमारी, ये पुलिस यहाँ पे इसलिए आई है। मैं अंदर गया और अंदर जाके मैंने पूरे रिसेप्शन में पूछा तो फ्रैंकलिन का पता चला कि यहाँ पे जो बल्लास गैंग थी वो आ गए, वो यहाँ पे आए क्योंकि मैंने उनका जो टकला जो मैन इनका जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला था उसको मैंने टपका दिया था। तो मैंने फिर एम्बुलेंस को कॉल करके फ्रैंकलिन को सेव करने के लिए हॉस्पिटल भेजा था, और मैं उसको छोड़ के यहाँ पे आ रहा था। तब तक क्या हुआ कि बल्लास गैंग ने यहाँ पे अटैक कर दिया, और यहाँ पे फ्रैंकलिन को किडनैप करके लेके चले गए, और इसलिए इन्होंने जो ये हॉस्पिटल की जो ओनर्स हैं जो स्टाफ्स हैं उन्होंने पुलिस को बुलाया, और यहाँ पे केस फाइल किया है कि यहाँ पे जो हमारे पेशेंट आया हुआ था जिसका नाम फ्रैंकलिन था उनको अरेस्ट उनको किडनैप करके लेके चले गए।
इसलिए यहाँ पे पुलिस आई हुई और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके हमारे ऊपर तो कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई हुई है। तो दोस्तों ये एक बड़ा रिस्क हो गया है कि जो हमारा फ्रेंकलिन फ्रेंड है उसको यार किडनैप करके चले गए ब्लास्ट गैंग वाले। तो अब अपन को उसको जाके बचाना होगा कैसे भी करके। तो मेरे को जाके अब ब्लास्ट गैंग से बात करनी पड़ेगी। तो जाता हूँ मैं और उनसे बात करता हूँ, बोल देखते हैं क्या होता है। ओके चेक करना पड़ेगा यार ये क्या हो गया। मतलब यार कि मैंने सोचा भी नहीं था यार किडनैपिंग भी हो सकती है। मैंने तो इसलिए सोचा था, मैंने सोचा कि अब देखो यार मैं उसको अगर उसको मैं लेके जाता हॉस्पिटल तो भी रिस्क था, क्योंकि मेरे को उसको जो प्रॉपर्टी का होना था उसको घर पे ड्रॉप करना जरूरी था, क्योंकि उसकी डील हुई थी। मेरे को इसके बीच में कुछ भी झमेले में नहीं पड़ना है जिस वजह से मेरा कोई नाम आए। तो इस वजह से मेरे को उसको सेफली ड्रॉप करना था। उसके चक्कर में क्या हुआ, फ्रेंकलिन का किडनैपिंग हो गई। तो कोई बात नहीं, वहाँ पर पुलिस आई हुई है तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, उनको करने देते, अपन उनके काम में कोई इंटरफेस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अपन इंटरफेस किया तो उनको हम पर हमारे ऊपर शक हो सकता है, वो हमको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं प्लान बनाता हूँ, कोई फ्रेंकलिन को मैं जाके ट्रेवर से बात करके कोई प्लान बनाता हूँ जिससे कि हम फ्रेंकलिन को छुड़ा सकें। और उसको कहाँ पर लेके गए ये भी मैं पता करता हूँ, क्योंकि पहले पता लगाना पड़ेगा और ट्रेवर से बात करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अब ट्रेवर से बात करता हूँ और बात करके फिर मिलते हैं अपन। वो गाइस मेरी ड्राइवर से बात हो गई, ड्राइवर ने तो बंद पता नहीं गन भी निकाले, पता नहीं कहाँ पे आया हुआ। ठीक है, तो मैंने इससे पूरी बात कर लिया और इसने अपने फ्रेंड से पता करके इसने लोकेशन का पता लगा लिया कि फ्रेंकलिन को कहाँ पे लेके गए। ये बता रहा है कोई सीक्रेट बेस है इनका बलास गैंग का, वहाँ पर लेके गए। तो हम और ये ड्राइवर दोनों जाएंगे उसको वहाँ पर सर्च करने के लिए, ठीक है, और फ्रेंकलिन को बचाएंगे किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये बता रहा है कि वहाँ उनसे फ्रेंड से बात हुई और उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये मतलब पकड़ के बैठे हैं कोई अच्छे से जगह पे लोकेशन पे। तो इन्होंने कहा इसलिए इसने ड्राइवर ने कहा है कि ना मैंने गन वन भी निकाल ली है और मेरे को कोई इसी लोकेशन के आसपास का कहीं बताया था, फ्यूल स्टेशन है आसपास में कहीं, तो हमें सोच समझ के जाना पड़ेगा। कह रहे थे वहाँ पर काफ़ी इनकी सिक्योरिटी लगी हुई है और वहाँ से हॉस्पिटल से किडनैप करके वहीं पर लेके गए हैं। इनके जो एक मेन बेस था पहले वहाँ पर लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस की रेड, जैसे कि मैंने बताया था अभी ये पुलिस सर्च कर रही, तो पुलिस की रेड हुई तो उन्होंने वहाँ से फ्रेंकलिन को वापस से वहाँ से हटा के तो दूसरी जगह इनका बेस है वहाँ पे लेके चले गए। तो चल के वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा यार, कमेंट वमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ यार। तो यहीं पर यहीं पर मेरे को बताया गया है, तो चल के देखते हैं, पहले देखना पड़ेगा यार क्योंकि भरोसा नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी होगी तो फ्रेंकलिन को गोली वोली भी मार सकते हैं। तो सोच समझ के करना पड़ेगा वहाँ पर जो भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर फ्रेंकलिन को गोली मार दी ताकि तो उसकी सीरियस, वैसे भी उसको 3-4 बुलेट्स पहले से लगी हुई है और सीरियस है, तो उसकी कंडीशन वैसे भी पहले से भी सही है नहीं, और अभी ऐसा कुछ किया तो हो सकता है उसको गोली मार दे, तो फिर भी रिस्क हो सकता है। तो सोच समझ के करेंगे हम, और ट्रेवर ने कहा सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना हो तो यहीं कहीं पर मेरे को बताया, मेरे को भी आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा पहले यहीं कहीं पर होना चाहिए। धीरे धीरे जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर भी कहीं पर भी हो सकते हैं। यहीं की लोकेशन जो ड्राइवर का फ्रेंड है उसने यहीं की लोकेशन कहीं की दी है, इसी के आसपास का कहा था फ्यूल स्टेशन के पास कोई फैक्ट्रीज वगैरह कोई लैंड होगा वहीं पर होंगे। तो यहाँ पर ढंग से देखना होगा हमें, भरोसा नहीं कहीं पे भी होना तो रिस्क हो सकता है। यहाँ कहीं तो नहीं है, पता नहीं आ रही, तो ढूंढना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा रिस्क है। ये दो गाड़ी यहाँ क्या कर रही है, यहाँ पर तो कहीं नहीं है। 1 सेकेंड, आपको कुछ दिखा क्या? मेरे को दिखाई तो दिया है, वहाँ पर कोई खड़ा दिख रहा है जिसके हाथ में गन हो, ट्रेवर बाहर आ जा रहे हैं और ढंग से गोले नहीं, गोले चलानी नहीं है, तो तेरी मत्ती कस की भी रहती है। वहाँ पर भी गए तो गोली गोली चला ली, पुलिस गई, पुलिस से पीछा छुड़वा के आया हूँ। ये आपको दिख रहा है वहाँ पर कोई खड़ा दिख रहा है मेरे को, तो सोच समझ के जैसे ओ शिट पीछे इनकी तो पूरी बारात, पूरी की पूरी बारात आई हुई है, गन निकालनी पड़ेगी यार। पहले देखना पड़ेगा क्या सीन है वहाँ का यार, कैसे चेकआउट करें वहाँ, साइड में चलते फटाफट से, भरोसा नहीं यार, बच्चे को उठाना पड़ेगा फटाफट। चल गए यहाँ पे, देखते हैं पहले क्या चल रहा है, पहले फ्रेंकलिन को देखना जरूरी है यहाँ पे। तो इसका मतलब यही लोकेशन है यहाँ पे लेके आया यार, ओपन, मतलब ये पूरी ओपन लोकेशन में आप लेके, ओह यहाँ पे हम जगह है, चलो 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 उठ उठ, यहाँ से अपन कुछ देख तो पाएंगे। तो यहाँ पे ये रहा फ्रेंकलिन, यहीं पे है चेयर पे बैठा है और इसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही यार, पता नहीं यार क्या किया इन्होंने। अब ट्रेवर तैयार हो जा, तो अब कुल मिला के टोटल मतलब इनका अब गेम तो बजाना ही पड़ेगा, वरना हमारे पास और तो कोई रास्ता भी नहीं है जिससे कि हम इसको छुड़ा सकें। ठीक है, तो गेम तो बजाना पड़ेगा, तो ये काम करते फायरिंग चालू करते हैं। लेकिन फ्रेंकलिन को गलती से ये कुल ही नहीं मार दे, ये काम करते हैं इस गाड़ी को लेके ही जाते हैं डायरेक्ट।
इनको पता तो चलना नहीं चाहिए। अब एक तो बैठ रहे गाड़ी के अंदर, पता नहीं कहाँ चला जाता है। एक तो ये भागा गाड़ी के अंदर बैठा, गेट भी खुला छोड़ा है। एक तो अंटा के लाया हूँ गाड़ी, वैसे पुलिस पीछे पड़ी हुई है, दो तीन के क्राइम किए। अब हमें फटाफट से इसके अंदर गाड़ी डालनी होगी ताकि ये हमारे ऊपर अटैक करें, ये हमारे ऊपर अटैक करें। और वहाँ से अब फ्रैंकलिन के ऊपर जो इनका अभी जो लोकेशन लगी हुई यहाँ पे, तो उनको हटाना है यहाँ से, डायरेक्ट से हटा देंगे ये अपने ऊपर। ये मतलब इन्हीं भी अपन इन पर जाएंगे, इन पर अटैक करेंगे, तो ये सब अपने ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे, तो वहाँ से ध्यान हट जाएगा। तो अपन फटाफट से इनको उड़ा के फ्रैंकलिन को छुड़ा लेंगे, ठीक है? तो फटाफट से करते हैं। अबे मारना रे फ्रेंड, ये देखो ट्रेवर को देखो, ये मरवाएगा ये ट्रेवर। मर अब मारना इतना दिन है, अबे ट्रेवर कहाँ गया रे इडियट, मारना। ओ उसको बांध के रखा हुआ है फ्रैंकलिन को, गलती से गोली नहीं लग जाए। ओ फटाफट मारना पड़ेगा अभी ये फ्रैंकलिन, क्या गया मारना रे इनको इडियट। अभी ये क्या सीन नया क्रिएट कर रहा है यार फ्रैंकलिन, मतलब इस फ्रैंकलिन के क्या सीन, मतलब अपन को फटाफट इसको बचाना पड़ेगा। ये फ्रैंकलिन का भरोसा नहीं यार, इसकी तो खोपड़ी कसी हुई है, ये तो वैसे भी नशे में था, वहाँ से छुड़ा गया। अबे मारना है, क्या छुप के बैठा है। ओके 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 फटाफट जल्दी से जल्दी जल्दी इसको भी उड़ा देते हैं। वैसे भी इसको उड़ा देते गाड़ी तो अपनी, ठीक है ये हो चुका है। अबे क्या कर रहा है कुछ, एक बिल्कुल ही नहीं चला है कुछ भाई का, ठीक है ओके। अब और तो कोई नहीं है, चेकआउट कर लेते हैं फ्रैंकलिन पे क्या हाल चाल है। इसको छुड़ाते और फटाफट से गाड़ी के अंदर डालते हैं इसको। तो गाइज मैंने फ्रैंकलिन को है ना रस्सी वस्सी खोल दी और इसके थोड़ी ट्रीटमेंट वगैरह कर दी है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। फटाफट से कोई व्हीकल इन्हीं की कोई गाड़ी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि इसमें बुलेट्स लग चुकी है, तो हो सकता है कि पुलिस का भरोसा नहीं। फटाफट बैठ रहे फ्रैंकलिन और ट्रेवल ही है, वैसे ट्रेवल तो पता नहीं नशा करके सस्ता नशा करके आए, और ये पता नहीं बार बार लड़ने झगड़ने लग जाते हैं इन दोनों। तो अब कैसे भी करके ये काम करता हूँ, फ्रैंकलिन को फटाफट से इसके घर पे छोड़ देता हूँ, और जो ट्रेवल है उसको भी, उसका तो वहीं पर मतलब नहीं है, इसका तो कहीं मैं क्या बताऊँ यार ये ट्रेवल ने। अब गाइस ये है कि पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, पुलिस वालों ने केस रजिस्टर किया हुआ, ठीक है? तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस फ्रैंकलिन को ढूंढ रही है, और अगर फ्रैंकलिन वापस से अगर बना जैसे कि हमने फ्रैंकलिन को बचा लिया था, यहाँ पे भी पुलिस की रेड हो सकती है क्योंकि पुलिस हम फ्रैंकलिन को सर्च करिए क्योंकि वो वहाँ पे हॉस्पिटल से किडनेप हो चुका है। तो हम अभी पुलिस को पता नहीं, हम उसको छुड़वा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो अब ये पुलिस को पता चलेगा तो हमारे खिलाफ भी कोई एक्शन ले सके, तो हमें उस हिसाब से प्लान करना होगा जिससे कि हम बच के निकल सकें और पुलिस से जो हमारा पीछा छुड़ा जा सके। तो मैं वो अपने फ्रेंड से बात करता हूँ और उसको कहता हूँ, जो हमारा लॉयर है उससे बात करके कुछ केस का इसका भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुलिस हमारे भी पीछे लग सकती है कि फ्रैंकलिन को तुमने कहाँ से छुड़ाया, कौन थे वगैरह, हमारे मतलब हमारे खिलाफ भी कोई केस किया जा सकता है, तो वो भी हमें सॉल्व करना होगा जिससे कि पुलिस हमसे पीछे हट जाए, हमारे पीछे लगी है। तो फ्रैंकलिन को पहले मैं इसको घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद में डॉक्टर्स को मैंने कॉल कर दिया, तो डॉक्टर की टीम एक है तो वो वहाँ पे इसके फ्रैंकलिन के घर पे पहुँच रही है, तो इसको फ्रैंकलिन को घर पे छोड़ के इसकी ट्रीटमेंट कर देता हूँ, ट्रेवल को रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद में देखते हैं वो जो केस है इस केस को सॉल्व करते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं फ्रैंकलिन के घर पे फ्रैंकलिन को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है? तो ऑलमोस्ट फ्रैंकलिन के घर पे आ गए हैं, मेरे को लोकेशन थोड़ी आइडिया नहीं है, फिर भी देख लेंगे, कोई बात नहीं मैप में देख लेंगे क्या फ्रैंकलिन का घर, पता नहीं आ रही था, तो ऐसे पता नहीं टिक के लिए घुमा के लिया हुआ, पता नहीं ये गली है, आई थिंक ये वाली है मेरे हिसाब से, या इसके ऊपर वाली, मेरे को आइडिया भी नहीं है, यही होगी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, वरना फ्रैंकलिन को घर पे ड्रॉप करते थे, ठीक है? ड्रॉप करने के बाद अपन चलेंगे, इस ट्रेवर भी साथ ही, ट्रेवर ने बोला नहीं पहले फ्रैंकलिन को घर पे ड्रॉप करते फिर मेरे को ड्रॉप कर देना कहीं पे भी, मैं चला जाऊँगा, या फिर मेरे को फ्रैंकलिन के घर पे ड्रॉप कर देना मैं चला जाऊँगा, ठीक है? तो अपन चलते हैं फ्रैंकलिन के सीधा हाउस पे, आई थिंक ये वाली गली है, और अपन ने गाड़ी भी रास्ते में चेंज क्यों की, या मैं बता देता हूँ आपको, ये तो एक्चुअली मैंने व्हीकल चेंज कर दी थी रास्ते में क्योंकि पीछे एक पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे लग गई थी और उनको थोड़ा डाउट हो रहा था, तो मैंने रास्ते में व्हीकल को चेंज कर लिया था ताकि उनको डाउट ना हो, ठीक है? और मैंने वो रास्ते में ड्रॉप कर दी। शिट, ओ नो 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 नो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर पे पुलिस आई थी और अपन यहाँ पे नहीं जा सकते, फ्रैंकलिन को दिखना नहीं चाहिए वरना पुलिस पीछे लग जाएगी। ओ शिट,
मतलब जो पुलिस थी वो यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर पे आती है, मतलब या तो इनको पता तो नहीं चल गया कि अपन ने फ्रैंकलिन को छुड़ा लिया है और अपन ने वहाँ पे मर्डर्स वगैरह किए हैं, वहाँ पे हमारी फाइट हो गई है बलात गैंग से, पुलिस कैसे आई थी है, मतलब फ्रैंकलिन के घर पे पुलिस की रेड आ चुकी है, मतलब पुलिस वाले चेक करने के लिए आए कि फ्रैंकलिन के घर पे क्या चल रहा है वो नो। तो अब हम फ्रैंकलिन के घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि फ्रैंकलिन के घर पे पुलिस है और पुलिस को शक नहीं हो रहा, हम वापस एक बार जाएंगे, अगर शक होगा तो हम गाड़ी को एक बार यहाँ से भगा लेंगे, ठीक है। तो एक बार चेकआउट करते अपन धीरे से चेक करते हैं, सेकेंड कहाँ पे गया, ओह शिट 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 ओह नो, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आई हुई यहाँ पे, मतलब पुलिस वालों ने फ्रैंकलिन के घर पे रेड की है। अब मेरे को ट्रेवल के साथ मिलके कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब वो कैंसिल करना पड़ेगा, मेरे को इसको मेरे घर पे लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से मैं जाऊँगा इसको सेफ हाउस पे लेके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब सेफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस वाले आ चुके हैं। और अब मेरे को फटाफट से अपने लॉयर से बात करके फ्रैंकलिन को फटाफट से यहाँ पे पुलिस से पीछा छुड़ाना होगा, वरना पुलिस हमारे पीछे लग गई तो हमारा जो बना है अभी जो स्टार्टअप किया है वो भी सारा का सारा फेल हो जाएगा और सब के सब जो भी है सब कुछ चला जाएगा, ऊपर से जेल होगी वो अलग। तो मुझे फटाफट से मिलकर ट्रेवल और अपने लॉयर के साथ मिलकर कोई प्लान बनाना होगा जिससे कि हम फटाफट से यहाँ से निकल सकें, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोई प्लान वाला बनाता हूँ, बात करता हूँ ट्रेवल वगैरह से क्या बोलते हैं, उसके बाद तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए जो आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, पुलिस वालों ने घर पर रेड क्यों किया और क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको क्या लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।